नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुट्टू के आटे से बनी टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि व्रत उपवास में खाई जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं और बनाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं। तो चलिए देखते हैं कुट्टू के आटे की टिक्की हमने किस तरह से तैयार की है। फलाहारी टिक्की बनाने के लिए मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है, आलू ले लिए हूँ उबले हुए, ये देसी घी ले लिया है, काली मिर्च और सेंधा नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू को मैंने पीस लिया है, अब इसके अंदर आटा डाल दूँगी। नमक डाल दूँगी और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी सारे मिश्रण को हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू और कुट्टू के आटे के मिश्रण को तैयार कर लिया है, मिक्स करके एक डो के रूप में रख लिया है बनाकर। अब मैं इसकी छोटी छोटी टिकियाँ बनाऊँगी। इतना इतना डो ले लेंगे। इतने मिश्रण से 8 टिकिया बनाकर तैयार कर ली है मैंने। घी को कढ़ाई के अंदर चढ़ा लिया है, अब इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। अगर हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी में तल सकते हैं, वरना इसे रिफाइंड में या तेल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके टिकिया डाल दूँगी अपनी। गैस को अब मैंने धीमा कर लिया है, इसको मंदी आंच में पकाएंगे जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। इन टिक्कियों को सिकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग सकता है मंदी मंदी आंच पर। इसको हम उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे जिससे अंदर तक सिक जाए, कच्ची ना रहे। ये देखिए टिकिया दोनों तरफ से सिक चुकी हैं, इनमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। अब मैं इनको निकाल लूंगी। और अपनी दूसरी टिकिया भी इसी तरह से सेक लूँगी और तैयार कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म कुट्टू के आटे की टिक्की बनकर तैयार हैं। आप भी खा लीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।